दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर तालझारी थाना क्षेत्र के बूढ़ी कुरवा गांव के पास दुमका की ओर से आ रही यात्री बस ने सड़क पर खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें लगभग 20 यात्री घायल हो गए। इनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना के फौरन बाद सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल भिजवाया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद भेजा गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सदर अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से घायलों के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बस यात्रियों को लेकर दुमका के चुटोनाथ मंदिर में पूजा कर देवघर लौट रही थी। चुटोनाथ से ये लोग आ रहे थे, सामने एक ट्रक थी, उसी में इम्बैलेंस हुआ होगा। ठीक, एक्सीडेंट के 2-3 मिनट बाद में देखा कि घायल लोग पड़े हुए हैं सड़कों पर, सब आहत है, मरमाहत है। उसी में इनके साथ एक आगे गाड़ी सफारी से वार्ड पार्षद साहब धनबाद भेजा जा रहा है। यदि ब्लड की कमी है तो ब्लड उनको दे के भेजा जाएगा। और सिविल सर्जन और डीसी साहब, एसपी साहब सारे चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। समाज सेवी लोग भी हैं, खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना है। और भी पेशेंट सब आ रहे हैं, लेडीज लोग हैं जिसको हमने वहाँ से चढ़ा के